तो एक बजट जो पेश हुआ, जिसे कहा जा रहा है कि ये एक स्मार्ट बजट है, ये एक ऐसा बजट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, खासतौर पर व्यापारी वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। व्यापारी वर्ग के लिए किस तरह के प्रावधान किए गए हैं इस बजट में, और क्या वाकई उससे बूस्ट मिलेगा व्यापारी वर्ग को, एमएसएमई सेक्टर को, उनके लिए क्या बड़े प्रावधान है, इसके बारे में बात करते हैं। सर, हम एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे थे। एमएसएमई सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट देने की कोशिश इसलिए भी है कि ये बैकबोन है देश की अर्थव्यवस्था की, और इसमें बड़ा रोजगार सृजन के भी, रोजगार इसमें पैदा हो इसकी भी बड़ी संभावनाएं हैं। तो सरकार इसको लेकर बहुत केंद्रित है, फोकस्ड है, उसको लेकर बड़ी बातें की हैं सरकार ने। देखिए, जो दो मेजर बात एमएसएमई सेक्टर के लिए की है, सबसे पहली बात कि 9000 करोड़ रुपए का फंड इन्होंने क्रिएट किया, उसमें एमएसएमई सेक्टर में 2 लाख रुपए विदाउट कोलेटरल सबको लोन दिया जाएगा। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एमएसएमई की पेमेंट को स्टैट्यूटरी लायबिलिटी में कवर कर दिया गया है। सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपने स्टैट्यूटरी लायबिलिटी को पे नहीं किया रिटर्न फाइलिंग से पहले, तो वो आपकी इनकम में एड बैक हो जाता है। इसका मतलब वो आपकी इनकम नहीं है, बट आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से एमएसएमई सेक्टर को 43B में रखा गया है इस बजट में जो प्रपोजल है। अगर ये हो गया तो फिर आप समझिए कि एमएसएमई सेक्टर को कैश फ्लो की कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि उसने जो भी माल बेचा होगा उसका पैसा उसे तुरंत मिल जाएगा। इसे अगर हम समझा पाए, अब हम दर्शकों को अपने समझाएं कि दरअसल ये है क्या, कैसे उसको वो कैश फ्लो की दिक्कत नहीं होगी। उसको ऐसे कैश फ्लो की दिक्कत नहीं होगी कि आज की डेट में पेमेंट से रिलेटेड एक प्रावधान जीएसटी के अंदर है। जीएसटी में प्रावधान है कि अगर आप 180 दिन से ऊपर किसी की पेमेंट रखते हो तो आपको जो आईटीसी होता है वो डिसअलाउ हो जाता है, आपको आईटीसी पे बैक करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरा प्रावधान एमएसएमई एक्ट 2006 में था कि अगर आप 45 दिन से ऊपर अगर किसी की पेमेंट रखते हो तो आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ। उस इंटरेस्ट की आपको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन इससे बड़ी चीज़ कि जो भी आपकी एमएसएमई की जो लायबिलिटी है, सपोज मैं एक लार्ज एंटरप्राइजेज हूँ, मैंने एमएसएमई से परचेज किया है, परचेज करने के बाद मैं किसी भी वजह से उसको नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि वो मेरी इनकम में एडबैक हो जाएगा। तो इसलिए स्टैट्यूटरी लायबिलिटी इसको बनाना एक बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंज होगा एमएसएमई सेक्टर के लिए। समय से फिर वापस करेंगे और उसको पैसा करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आप इस पर बहुत संक्षेप में कुछ कहिएगा, क्योंकि हम इसके बाद सस्ता महंगा क्या हुआ है वो बताने वाले हैं। ये भी है कि आपने यदि एमएसएमई का पेमेंट नहीं किया तो हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हम अपनी ऑडिट में भी उसको क्वालिफाई करते हैं कि इन्होंने एमएसएमई का पेमेंट नहीं दिया, और डिस्क्लोजर अलग से देते हैं जिसपे पेनल्टी का भी प्रोविजन है। छोटे उद्योगों को, जो बड़े उद्योग है उनसे ले लेते हैं और फिर समय पर पैसा नहीं देते, वो 180 दिन के ऊपर चला जाता है, उनको कैश फ्लो की दिक्कत होती है। तो ये बड़ा अहम है जो स्मॉल सेक्टर है उसके लिए।